अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है द डिवाइनर, जो कि बेरियन फ्राइल ने लिखी है। स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। जो राइटर है बेरियन फ्राइल, ये 9 जनवरी 1929 में पैदा हुए और 2 अक्टूबर 2015 में इनकी डेथ हो गई। ये एक आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये फाउंडर थे ऑफ द फील्ड डे थिएटर कंपनी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग इंग्लिश लैंग्वेज ड्रामेटिस्ट माना जाता है। इनके 5 चिल्ड्रन थे और साथ ही साथ अगर मैं इनके बात करूँ, जो इनके अवार्ड्स के बारे में बात करूँ, तो इनको ओलिवियर अवार्ड मिला है, इनको टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले मिला है, इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके प्लेस की जो कि बड़े फेमस थे। वो थे फिलाडेल्फिया, हेयर आई कम, एक ये था, कुछ ट्रांसलेशंस थी और जो थर्ड वन था डांसिंग एट लुगनसाना, ठीक है। लुगनसा जो है ना, ये 3 वर्क थे, जो 3 प्लेस थे, इन बेस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। बाकी भी इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के अंदर, लिटरेरी फील्ड के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं, जैसा कि द कम्युनिकेशन कोड, वॉलेंटियर्स, द जेंटल आईलैंड, द याल्टा गेम, सो ऑन। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, करैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। जो करैक्टर है हमारे पास स्टोरी के अंदर आ रहे हैं वो है निली, टॉम, ऑर्थर डिहॉर्ट्री और पोस्टमैन। ये कुछ करैक्टर जो स्टोरी में आएंगे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि प्रीस्ट का करैक्टर हो गया, फादर का करैक्टर हो गया, डिफरेंट करैक्टर्स आएंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। निली जो है वो इसके अंदर हमारे पास मेन कहते हैं करैक्टर जो इसका ही है। ये एक फ़ीमेल करैक्टर है जो कि जिसकी शादी होती है टॉम से और टॉम की डेथ हो जाती है। टॉम की डेथ के बाद इसकी शादी होती है जो हर्टी से, ठीक है, इसकी भी डेथ हो जाती है। और स्टोरी जो है ना वो इसकी, इनकी दोनों की डेथ के अराउंड इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है, डेथ के अराउंड घूमेगी। और उसके साथ साथ जो है ना निली की लाइफ को डिस्कस किया जाएगा स्टोरी के अंदर। विस्की का रोल आएगा इसके अंदर स्टोरी में। और एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन जो है वो डिहोर्टे की जब डेथ होती है उसकी डेड बॉडी को डिस्कवर करता है, तो इसके साथ जब डेड बॉडी को डिस्कवर करता है तो उसकी डेड बॉडी के अंदर जो है आपको विस्की की 2 बोतलें नज़र आएंगी। तो वो 2 बोतलें जो होती है ना वो पकड़ के अपने पास रख के छुपा लेता है ताकि लोग जो हैं इस बंदे को अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। बात करते हैं समरी की। जो समरी है बेसिकली ये डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो स्टेटिक नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी आती रहती है। ये जो स्टोरी है बहुत ही नाइस लेडी है एक निली, उसके बारे में बात करती है जो कि एक विलेज में रहती है। उस विलेज का नाम है डोरमीन। ये स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, निली लिव्ड इन डोरमीन, ठीक है। ये डोरमीन में रहती है और जो है ये एक गांव है, पीपल जो है वहाँ के रहने वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसने बड़ी अच्छी अपनी मैरिड लाइफ गुजारी 25 ईयर्स अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड का नाम इसके टॉम है और जो टॉम है वो कभी भी अपने विलेज वालों से मिला नहीं है इतना, ना उसको विलेजर्स से मिलना पसंद है, उसको अकेला रहना ही पसंद है। लेकिन जो सोसाइटी है उसकी, जो विलेज है, वो फिर भी इसकी डेथ पे बहुत ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी डेथ पे बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। इसकी डेथ कैसे होती है, एक रोड एक्सीडेंट पे होती है, रोड साइड पे ना इसका एक्सीडेंट हो जाता है, उस प्लेस पे इसकी डेथ हो जाती है। अब जब टॉम की डेथ हो गई है तो तब क्या करती है निली, निली ना जो अच्छे घर के लोग होते हैं ना उनके घर के अंदर ना रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ के अंदर ना काम करना शुरू कर देती है। All her time was divided among the bank manager, the solicitor, the dentist, the doctor and the prosperous McLaughlins of the arcade. ठीक है, यहाँ यहाँ ये काम करती है। और ये कोटेशन डाली गई है यहाँ पे, जो मैंने बोली है ये राइटर ने कोटेशन कोट किया है यहाँ पे। अब कहते हैं कि ना इसको शादी कर लेनी चाहिए और ये शादी जो है ना डोहर्टे से शादी कर लेती है, ठीक है, डोहर्टे इससे दोबारा ये शादी कर लेती है। और एक दिन ना ये प्रीस जो है ना, प्रीस का नाम है फादर क्यूरिन, उनको इन्फॉर्म करती है अपनी मैरिज के बारे में कि मैंने ना डोहर्टे से शादी कर ली है, ये एक रिटायर्ड मैन है और उसके बाद जो है ना माइट भी शादी करके वेस्ट में ही रहे। लेकिन जो मिस्टर डोहर्टे हैं ये एक रिजर्व फेलो है और ये कभी भी ना लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। जो विलेजर्स जो है ना बड़े क्यूरियस होते हैं इसकी नेचर के अबाउट, वो इसको मिलना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों से मिलना पसंद ही नहीं करता, ये रिज़र्व रहना पसंद करता है। तो उसके बाद जो है ना बताया गया है स्टोरी के अंदर कि ना कभी कभार जो है ये इन द टाइम ऑफ इवनिंग अपनी वाइफ की कंपनी में ही हम लोगों को नज़र आया है, एक वेल ड्रेस्ड, मतलब एक अच्छी खासी ड्रेस के अंदर ना अपने आप को ग्रूम करके इसने रखा हुआ है।
फिर ऐसा होता है स्टोरी के अंदर, कहता है 3 माह हो गए इनकी शादी को, और 3 माह के बाद क्या होता है इनकी लाइफ के अंदर एक नया इवेंट आ जाता है, और वो इवेंट ऐसा होता है जो कि निली की लाइफ को बहुत ज़्यादा ना इम्पेक्ट करता है। वो क्या था कि जो मिस्टर डोहेट्री थे वो बोग ऑफ लेक में डूब जाते हैं और बाद में उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही होती। अब क्या होता है, नीली के पास आते हैं फादर क्यूरन, और वो आकर नीली को सारा सैड वाक्या बताते हैं और नीली को अपनी कार में ले जाकर उस जगह पे, वहाँ जहाँ पे लेक थी उस जगह पे ले जाते हैं। नीली जब लेक पे पहुँचती है तो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को तलाश कर रही होती है, उसको नहीं मिलती। इवन के सारे विलेजर्स जो हैं वो भी मिलकर उसके हस्बैंड की डेड बॉडी को तलाश करते हैं, उनको भी वो डेड बॉडी नहीं मिलती। बहुत ही स्ट्रेंज सा इवेंट है ये इनकी लाइफ के अंदर जो भी हो रहा है। इवन के विलेजर्स के जितने भी रहने वाले थे इंक्लूडिंग वुमेन, ठीक है, मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर बड़े ही जेनरसली से ना उसके हस्बैंड की डेड बॉडी को तलाश कर रहे होते हैं। पहले वो कंडोल्ड करते हैं नीली के साथ, फिर उसके बाद वो बिज़ी हो जाते हैं सर्च करने के लिए, लेकिन उसके बाद सारे थक जाते हैं क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर कुछ वक्त गुजरता है तो सारे जो गांव के रहने वाले लोग थे वो डॉक्टर बॉयल्स के जो बोट हाउस था वहाँ पर बैठ जाते हैं, अपनी कैंटीन बनाते हैं, वहाँ बैठ कर चाय बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं और काम करते हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं लेक पे उनके लिए भी वो चाय बनाते हैं और उनको भी सर्व करते हैं। जो लोग होते हैं वो बात करते हैं नीली और डोहर्टी के मोहब्बत के बारे में। फिर आफ्टरनून का टाइम हो जाता है और इस टाइम पे क्या होता है, सर्च जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, और आफ्टर हाफ एन आवर अ रिस्पेक्टेबल ड्रेस्ड मैन वेंट टू द प्रीस्ट, प्रीस्ट के पास जाता है उसकी कार की तरफ और उसको सारा जो मामला है वो जितनी भी प्रोग्रेस हुई है नीली के अबाउट सारा कुछ बता के आता है। नीली जो है वो थैंक्स करती है उस मैन को जो कि बता के आया प्रीस्ट को। अब उसी दौरान जो है ना प्रीस्ट ना जो होता है वो बड़ा दुआया कलमात पढ़ रहा होता है कि उसका हस्बैंड जो है वो मिल जाए, प्रे कर रहा होता है उस टाइम पे। फिर आगे जो है क्या, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ना दो फ्रॉग मैन आते हैं। फ्रॉग मैन कौन होते हैं, वो आदमी जो कि पानी के अंदर ना रबर सूट पहनकर स्विमिंग करते हैं। अब वो जो आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ वो भी सर्च करना शुरू कर दे डेड बॉडी को, ठीक है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है लेकिन उनको कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। अब रात हो जाती है काफ़ी ज़्यादा तो वो वापस जाने लग पड़ते हैं। इस दौरान जो है ना मेन अलारिकन मैन आते हैं तलाश के लिए बॉडी की, लेकिन उनको भी डेड बॉडी नहीं मिलती। फिर जो मैक एल्वी है ना वो सजेस्ट करता है कि हम लोगों को ना डिवाइनर को बुला लेना चाहिए, वो इसकी बॉडी को तलाश कर लेगा। मैक एल्वी जो है ना वो एक बेसिकली पोस्टमैन है। इस बारे में डॉक्टर बॉयल बात करता है फादर क्यूरन से, लेकिन फादर क्यूरन जो है जो कि प्रीस्ट है वो स्टिल अपने ही बिलीफ के साथ जुड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मेरा अभी भी यही उम्मीद है कि जो है ना वो ठीक होगा। और वो दुआ करता है, वो ये दुआ करता है कि इसकी जो बॉडी है ना वो रोजरी में रहे। लेकिन फिर जब कोई बात सुन नहीं रहा होता तो फिर मैक एल्वी और मैक लॉफ्गन जो है ना ये दोनों जाते हैं और जाके डिवाइनर को बुला के लाते हैं। ये रात के वक्त निकल जाते हैं और ये डिवाइनर को अपने साथ लेके आते हैं। डिवाइनर जो है उनसे कहता है कि मुझे कुछ पीसीज ला के दो कपड़ों के ऑफ द डिजीज्ड मैन, ठीक है। फिर वो उनके कपड़ों के पीसीज ला के देता है इनको। डिसीज्ड मैन वो आदमी होता है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई हो, तो वो कहता है कि जिन बंदों की रिसेंटली डेथ हुई है ना उस आदमी के मुझे कपड़े ला के दो। उसको कपड़े ला के दिए जाते हैं, फिर जो डिवाइनर है अपना काम करना शुरू कर देता है। अब पूरा अंधेरा हो चुका हुआ है, डार्क नाइट है, और वो अपनी बोट में बैठता है और बोट को लेकर लेक में चलता है और वो लेक के मिडल में पहुँच जाता है। जब वो लेक के मिडल में पहुँच जाता है ना तब वो कभी लोगों को नज़र आ रहा होता है और कभी वो लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है। लेकिन फाइनली जो डिवाइनर है वो बॉडी को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाता है और वो उस बॉडी को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। जब वो उसको लेके आता है और ब्राउन कलर की सेल पे उसको लिटाता है तो जो प्रीस्ट है वो कहता है ही वॉज़ अ गुड मैन। उसी दौरान जो मिक एल्वी है वो उसकी पॉकेट्स को देखता है और वहाँ से दो विस्की की बोटल्स होती है वो निकाल लेता है, छुपा देता है ताकि कोई लोग ना देखें, क्योंकि अगर लोग देख लेते तो फिर लोग कहते हैं कि ये एक नशई था, नशा करने वाला था, एक डंकर्ड था। तो उसने इस चीज़ के लिए वो बोतल निकाल दी ताकि लोग इसको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में ही याद रखें। सो ही हिट द बोटल्स और कभी भी उसने सीक्रेट को रिवील नहीं किया। अब डिवाइनर जो है वो पीसफुली वेट कर रहा है कि कोई उसको वापस उसके गाँव में छोड़ कर आए। और बाय नाउ द न्यू डे हैड डॉन्ड
एंड एवरीबडी वॉज फीलिंग रिलैक्सड। हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।